हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मिस्टर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपके रियलमी नार्जो 50A में यदि आपके लो साउंड की प्रॉब्लम आ रही है, मतलब यदि आपका इसमें स्पीकर तो वर्क कर रहा है लेकिन अगर उसमें लो साउंड आ रहा है या फिर बिल्कुल स्लो आपका साउंड चल रहा है इसमें, तो हम उस प्रॉब्लम को किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों, आप मैकेनिक हो और मैं वीडियो आपको पता ही होगा, मैं मैकेनिक के लिए ही बनाता हूँ। अब ये बोर्ड खुला हुआ है यहाँ पर, ये सब कुछ है, तो ये मैकेनिक के लिए वीडियो होगा। इसमें अगर मैंने लो साउंड का वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप स्पीकर चेंज करके देखिए या फिर इसके ऊपर जो डस्ट आ रखी है उसको हटा के देखिए। यार, मैं स्लो साउंड का प्रॉब्लम का वीडियो बना रहा हूँ तो ये सब कुछ लेके बैठा हूँ, तो आप खुद समझिए कि मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि लो साउंड की प्रॉब्लम आ रही है। आपने स्पीकर भी चेंज करके देख लिया, उसके बाद भी अगर लो साउंड की प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सोल्यूशन मैं बताता हूँ, ठीक है। मैं ऐसे नहीं बताऊँगा कि आप पहले स्पीकर चेंज कीजिए, वो चेंज कीजिए, ये सब आपको बेसिकली आपको करना होगा, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपके लो साउंड की प्रॉब्लम आ रही है तो दोस्तों हम इस वीडियो में इसका सॉल्यूशन जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे मोबाइल में लो साउंड की प्रॉब्लम आती कैसे है, ठीक है, आती कैसे है वो मैं आपको दिखाऊं। देखो, लो साउंड की प्रॉब्लम आती कैसे, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आपके साथ, ठीक है। तो मैं क्या, अगर मुझे तेज आवाज में बोलना है, तो मुझे किस चीज की जरूरत पड़ेगी, पावर की नहीं, एक्स्ट्रा पावर की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे पावर तो मिल रहा है नॉर्मली मुझे बोलने के लिए, लेकिन मुझे और अगर तेज़ आवाज़ में बोलना है तो मुझे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे पावर की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे ताकत और तेज़ पावर की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, हमारे इस आईसी को, हमारी जो साउंड आईसी, जो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाले आईसी हमारे साउंड आईसी है। अगर दोस्तों इस साउंड आईसी को पावर तो मिल रहा है, जो VPH पावर होता है वो मिलता है हमारे इस वाले कैप्सूल पर, जो 3.7 से लेकर 4.2 के बीच होता है, वो हमारे इस IC के अंदर जाता है, तब ये IC वर्क करती है, ठीक है, अगर ये VPH पावर जा रहा है तो IC तो वर्क करेगी। यार, आप कंफ्यूज मत हो, मैं सीधा बताऊं। देखो, जो नॉर्मली जैसे मुझे बोलने के लिए जो नॉर्मल पावर चाहिए वो समझ लीजिए मुझे इस वाले कैप्सूल से मिल रहा है, लेकिन मुझे अब बोलना है और तेज़ आवाज़ में तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी और एक्स्ट्रा पावर की। तो दोस्तों, वो मुझे एक्स्ट्रा पावर कहाँ पर मिलेगी, वो मिलेगी मुझे इस वाले कैपेसिटर पर, एक मिलेगी इस वाले कैपेसिटर पर, ठीक है। देखो, मुझे दो पावर मिलेगी तेज़ आवाज़ में बोलने की। पहली पावर आएगी हमारे इस वाले कैपेसिटर पर, ठीक है, इस वाले कैपेसिटर पर आएगी, और उसके बाद इस कैपेसिटर के इस वाले पॉइंट से निकलेगी, और उसके बाद यहाँ पर इस वाले रजिस्टर के अंदर जाएगी, और उसके बाद दोस्तों हमारे इस वाले पॉइंट पर आती हैं, और उसके बाद सीधा हमारे साउंड आईसी के अंदर चली जाती है, ठीक है। अगर दोस्तों इस कैपेसिटर के बिल्कुल, अगर ये कैपेसिटर आपका हट जाता है, निकल जाता है, या फिर ये वाला रजिस्टर आपका बिल्कुल निकल जाता है, तो भी आपके लो साउंड की प्रॉब्लम आएगी। अगर विश्वास नहीं होता है तो आप एक बार चालू बोर्ड से हटा के देख लेना, अगर नहीं आवे तो। मैं ऐसे हवा में बात नहीं करता हूँ, मैं बात बिल्कुल 100% जो प्रैक्टिकल मैंने करके देखा है, मैंने अपने एक्सपीरियंस पे, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कोई नहीं बताता इतना सीधा सॉल्यूशन, कोई नहीं बताता, अपनी अपनी जो ट्रिक होती है वो कोई नहीं बताता है, सब छुपा के रखते हैं, मैं सब कुछ खुल के बताता हूँ, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों हमारा जो सेकेंड वाला बूस्ट वोल्टेज होता है वो हमारे इस वाले पॉइंट पर आता है, ठीक है, इस वाले पॉइंट पर आता है, और जो ये वाला बूस्ट वोल्टेज आता है वो हमारे मेन पावर आईसी से आता है, ठीक है, मेन पावर आईसी से, पी लिख देता हूँ, पावर आईसी से आता है। और उसके बाद दोस्तों ये वोल्टेज है हमारा इस वाले कैपेसिटर में इस वाले पॉइंट पर जाता है, और उसके बाद इस वाले पॉइंट पर आता है, ठीक है, इस वाले पॉइंट पर आता है, उसके बाद इस वाले पॉइंट पर निकलता है, और उसके बाद सीधा हमारे इस पावर आईसी में चला जाता है। इनका देखो, एक इसका जो पॉइंट है वो एक हमारा इससे भी कनेक्ट रहता है, इस वाले पॉइंट से, पीला वाला इधर से कनेक्ट रहता है और रेड वाला इधर से रहता है, लेकिन इस कैपेसिटर का इतना कोई दिक्कत नहीं है, अगर निकल भी जाता है तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपने, ठीक है। अगर आप इसको निकाल भी सकते हैं तो भी नो प्रॉब्लम। अगर दोस्तों आपका ये वाला कैपेसिटर भी अगर निकल जाता है, ये वाला कैपेसिटर भी, दोनों में से आप एक बार फिजिकल तौर पर चेक कीजिए कि ये वाला कैपेसिटर आपका कहीं निकल तो नहीं गया, उसकी वजह से हमारा कोई भी एक अगर निकल जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आप जंपर नहीं कर सकते, ये भी मैं आपको बताऊँ, अगर कैपेसिटर निकल जाता है आप दूसरा किसी साउंड आईसी के पास में जो कैपेसिटर लगा है उसको उठाकर यहाँ पर लगा सकते हैं, और अगर आप यहाँ पर किसी बोर्नियो वगैरह या सेमेटिक में देखकर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर लगाइए आप 100 यूको फेराड का
100 यूकोफेराड आप सेमेटिक में सर्च कर लीजिए, कोई बोर्ड आपका जो पड़ा है यूकोफेराड, ठीक है। और यहाँ पर 6 से 12 वोल्टेज के बीच में इसका होना चाहिए, वो आप देख लीजिए, ठीक है। और दोस्तों इस तरीके से आप इसमें लो साउंड की प्रॉब्लम को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर इन कैपेसिटर पर आपको सप्लाई चेक करनी है कि आप पर आपको ग्राउंड रीडिंग मिल रही है या नहीं मिल रही है। उसके बाद इधर चेक कीजिए, अगर इधर नहीं आ रही तो समझ लीजिए ये वाला कैपेसिटर ख़राब हो गया है, तो फिर आपको इस कैपेसिटर को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से दोस्तों इन वाले अगर कंपोनेंट में से अगर एक भी कंपोनेंट अगर निकल जाता है तो भी आपके लो साउंड की प्रॉब्लम आती हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने मोबाइल में लो साउंड की प्रॉब्लम को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियो के साथ। तो दोस्तों तब तक के लिए टेक केयर।